लाइव कर दिए थे ना एक बार कमेंट करके सब बता दो कि आवाज़ आ रही है या नहीं तो कुछ दूसरा गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है चलो ठीक है उम्मीद है आवाज़ आ रही हो फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कीजिए स्टार्ट होगा बच्चा आज अनाउंसमेंट वीडियो चला जाएगा कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्या सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक बार कमेंट करके बता दो तो आवाज़ आ रही है चलो ठीक है बस एक मिनट का समय दे देना हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जहां तक आपको पिछले क्लास में छोड़े थे उसके बाद ही यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि गनीटिंग क्या होता है ग्रॉटिंग क्या होता है ठीक है ग्रॉट के बारे में थोड़ा जानेंगे चलो ठीक है देखो बच्चा पिछले क्लास में बता रहे थे आपको टाइप्स ऑफ मोटार मोटार तो बता दिए थे कि ये मिक्सर होता है सीमेंट सैंड ये सब का ठीक है टाइप्स ऑफ मोटार स्टार्ट किए थे तो टाइप्स ऑफ मोटार में हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव पूछने के जो चांसेस हैं वो दो टॉपिक से ज्यादा है ठीक है या तो आपसे तो, इस टॉपिक से पूछेगा कि सुर्खी मोटार क्या होता है या सुर्खी मोटार से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या जो ऑब्जेक्टिव होगा एक आध निकल के आएगा गेज मोटार से ठीक है सीमेंट मोटार मोटार से से ऑब्जेक्टिव ना बनेगा बनेगा चांसेस कम है लाइम से भी नहीं बनेगा। हा एक स्पेशल टॉपिक होता है लाइम ठीक है जो हम आगे बताएंगे बीएमसीटी में लाइम को स्पेशल करवा देंगे कंप्लीट यहां से ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस हैं ठीक है चलो ये सब ऑलरेडी बता चुके थे देखो आप कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज करने जा रहे हो उसके आधार पे जो मोटार हम लोग बनाए थे ये पांच तरह के होते हैं ये किसके आधार पे बच्चा तो ये सर आधार है इसका कि बाइंडिंग मटेरियल क्या है अगर सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल होगा और सैंड होगा उसको तो सीमेंट मोटार कहेंगे अगर लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल होगा तो उसको आवाज नहीं आ रही है देखो आवाज आ रही है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या कमेंट करके बता देना एक बार ठीक है आवाज़ सही है आ रहा है सर साउंड आ रहा है ठीक है साउंड तो क्लियर है चलो बहुत अच्छे अरे सर आप बच्चा मत बोलिए प्लीज़ तुम लोग तो हो अभी बच्चे तुम लोगों से तो कम से कम दस साल बड़े बारह साल बड़े जनरेशन गैप तो है बच्चा ठीक है अभी तुम लोग जब जॉब हो जाएगा तब बाबू साहेब बन जाना अभी तक जब तक जॉब लगेगा नहीं तब तक तो बच्चा ही रहेगा ठीक है और चलो आगे देखते हैं देखो यहां तक हो गया था कि सुर्खी मोटार क्या होता है बच्चा मोटार के बारे में बोले थे कि इसमें सुर्खी का यूज किया जाता है एस यू आर के एच आई सुर्खी का यूज किया जाता है एज अ सैंड सैंड के जगह पे हम लोग सुर्खी यूज करते हैं और सुर्खी मोटार में सुर्खी प्लस लाइम यूज होता है अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुर्खी क्या होता है सुर्खी क्या होता है ध्यान से सुनना अगर हम लोग बर्ंट ब्रिक uh, को क्या बोल रहे बच्चा बर्ंट बी यू आर एन टी बर्ंट ब्रिक जो ब्रिक पका हुआ है जिसको आग में ऑलरेडी हम लोग बर्न कर चुके हैं इस बर्नड uh, ब्रिक को हम लोग फाइन या पाउडर के रूप में ग्राउंड करेंगे यानी ग्रिंडिंग किया जाएगा देखो लिख देते हैं ग्रिंडिंग ग्रिंडिंग to पाउडर पाउडर अगर बर्नड ब्रिक को पीस देते हैं महीन फाइन पाउडर में जो सैंड के बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सुर्खी कहते हैं देखो सुरखी जो होता है एक पोजलाना मटेरियल होता है ठीक है क्या बोल रहे हैं भाव पोजलाना मटेरियल होता है ठीक है लेकिन इंडिया में पोजलाना मटेरियल पाया नहीं जाता पोजलाना पोजलाना में पोजलाना में एट्टी क्या होता है सिल्का होता है यानी सैंड होता है ठीक है तो ये पोजलाना जो होता है वो पाया नहीं जाता तो पोजलाना को भी सुर्खी बोला जाता है हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा सुर्खी बोलेंगे पोजलाना को भी सुर्खी बोलेंगे अगर कोई कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या सुर्खी पोजलाना को सुर्खी कह सकते हैं तो यस वी कैन से सुर्खी एज ए पोजलाना मिल जाएगा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पीपीटी में भी ये मिल जाएगा तो बर्नड ब्रिक को जब हम लोग फाइन पाउडर के रूप में पीस देते हैं और उसका यूज हम लोग किसके जगह पे करते हैं सैंड के जगह पे किया जाता है और सुर्खी मोटार में एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाइंडर क्या होता है तो लाइम एज अ बाइंडर हम लोग यूज करते हैं ठीक है देखना सीमेंट मोटार के बारे में थोड़ा जानकारी ले लो सीमेंट मोटार आपका थोड़ा क्लियर कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखो सीमेंट मोटार में सीमेंट मोटार इज ए टाइप ऑफ मोटार वेयर सीमेंट इसमें बाइंडर क्या होता है बच्चा सीमेंट होता है सीमेंट इज यूज एज बाइंडिंग मटेरियल एंड सैंड यूज एज फाइन एग्रीगेट और इसमें बालू फाइन एग्रीगेट के रूप में होता है देखो डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर स्ट्रेंथ मजबूती के आधार पे सीमेंट टू सैंड प्रपोशन ऑफ सीमेंट मोटर मे भैर फ्रॉम वन रेशियो थ्री टू वन रेशियो सिक्स कहीं कहीं पे जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पे वन रेशियो टू का यूज करते हैं वन रेशियो टू का यूज करते हैं लेकिन इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक रेशियो तीन से लेकर एक रेशियो छह तक यूज किया जाता है अच्छा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सा प्रपोशन जो है वो करेक्ट है ठीक है करेक्ट है या बोल सकते हो ए बी सी सिक्स और डी वन रेशियो सेवन इसमें से कौन सा प्रपोशन है वो मोटार के लिए गलत है ठीक है तो वन रेशियो सेवन हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं ठीक है पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो प्रपोशन है वो रॉन्ग है इनकरेक्ट है गलत है याद रहेगा कि मोटार का प्रपोशन वन रेशियो थ्री से लेके वन रेशियो सेवन तक लाइज करता है और कभी भी हम लोग वन रेशियो सेवन वन रेशियो एट और वन रेशियो नाइन का सीमेंट मोटार बच्चा ध्यान देखना सीमेंट मोटार प्रिपेयर नहीं करते हैं कभी भी इस तरह का मोटार प्रिपेयर नहीं किया जाता है देखो अगर मैसुनरी वर्क कर रहे हो यानी आप ईट से दीवार बना रहे हो तो वन रेशियो और वन का आप काम कर सकते हो <सँ�> फाउंडेशन बनाने में ध्यान से सुनना बच्चा अच्छे से सुनना यहां पे फाउंडेशन बनाने में अगर लिखना है तो लिख लेना फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन के लिए जो मोटार होता है वो और होता है फाउंडेशन के लिए और सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो सुटेबल होता है एस यू पी ई आर सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो सुटेबल होता है वो वन रेसियो थ्री और वन रेसियो फोर यह सुपर स्ट्रक्चर में मोटार का यूज किया जाता है मैसूनरी में फाउंडेशन में कौन सा बोले बच्चा तो ठीक है है ये हम लोग में 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 किस किस अगर कहीं पर करके लिखना है, तो लिखते जाओ प्लास्टर बोले थे कि इंटरनल प्लास्टर होता है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि प्लास्टरिंग का मेन पर्पस ध्यान से समझना द मेन पर्पस ऑफ प्लास्टर टू मेक ए डेकोरेटिव कोटिंग जो आपका दीवाल है उसको प्लेन बनाएगा एक डेकोरेटिव सरफेस देगा तो इंटीरियर जो होता है वो ज्यादा डेकोरेटिव होना चाहिए घर अंदर से ज्यादा सुंदर देखना चाहिए हाँ, एस्थेटिक बाहर से भी अच्छा होना चाहिए तो वन रेशियो फाइव, वन रेशियो प्लास्टर के लिए यूज किया जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में ये अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये याद रख लेना मतलब घुसा घुसा के उल्टा पुलटा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कमेंट एक बार देख लेते हैं साउंड ओके क्लियर चलो ठीक है सर कल का पी डी एफ कहाँ मिलेगा ऐप में नहीं है आज हम अपलोड कर देंगे आज 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 जस्ट हम अपलोड कर देंगे और ये आज जो है वो लास्ट क्लास है यहाँ पे यूट्यूब पे अगला जो क्लास होगा मेरा सैटरडे और संडे को आपको डेमो मिल जाएगा यूट्यूब पे जी और जी का क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप जी के का भी डेमो ले लें उसके बाद आप एडमिशन लें ठीक है और अगला जो क्लास मेरा जो भी होगा बी का जिसमें हम स्टार्ट करने जाएंगे टिम्बर और लाइम टिम्बर स्टार्ट करेंगे टी आई एम बी ई आर टिम्बर यानी लाइम स्टार्ट करेंगे बचा हुआ जो टॉपिक है इसको कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट कर दे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वो अगला जो क्लास होगा वो केवल और केवल एप्लीकेशन पे होगा जो जी आर एस मंत्रा का एप्लीकेशन है इसके कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप देख लेना मिल जाएगा नेक्स्ट है बच्चा लाइम मोटर तो लाइम मोटार में क्या होगा लाइम एज अ बाइंडर यूज करेंगे लाइम मोटार इज ए टाइप ऑफ मोटार वेयर लाइम और यहाँ पे फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम का यूज किया जाता है लाइम जो होता है वो व्हाइट लाइम भी होता है जिसको हम लोग व्हाइट लाइम भी कहते हैं ठीक है हाइड्रोलिक लाइम इज यूज एज बाइंडिंग मटेरियल डिटेल में देखेंगे हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है वाटर के प्रजेंस में भी ये सेट कर जाता है एंड सैंड यूज एज फाइन एग्रीगेट ठीक है देखो लाइम टू सैंड प्रपोशन ऑफ द लाइम मोटार इज केप्ट मोटारे टू ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे अगर हम लोग सीमेंट मोटार की बात करते हैं कि सीमेंट मोटार में जो प्रपोशन होता है वो कितना होता है तो सीमेंट मोटार में वन रेशियो तीन से लेकर वन रेशियो छ तक होता है अगर हम लोग लाइम मोटार की बात करें तो लाइम मोटार जो बनाया जाता है इसमें लाइम और सैंड का रेशियो वन रेशियो टू रखा जाता है वन हो गया बच्चा क्या यहां पे लाइम वन हो गया लाइम और टू क्या हो गया सैंड सैंड सेंड एसे एंड सैंड और यहाँ पे क्या हो गया लाइम लिख देते हैं ये लाइम तो लाइम और सीमेंट का जो रेशियो है वन रेशियो टू होता है ये याद रखना छोटा छोटा चीज है कहीं पे नोट करते चलना देखो इतना समय हम नहीं देंगे कि आपको यहाँ पे चीजें आपको पूरा का पूरा पूरा दिखेगा या आप नोट करोगे जो छोटा छोटा चीज है रफ कॉपी में कर लो और इसका पीपीटी पीडीएफ जो है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा पिछला क्लास वाला भी और आज के क्लास का भी अगर पिछले क्लास वाला अपलोड नहीं हुआ है देन आई विल अपलोड टूडे ठीक है पीडीएफ आज अपलोड कर देंगे जस्ट क्लास के बाद चलो ठीक है सर कितना स्लाइड हो गया है अभी नीतीश बस एक स्लाइड हुआ है बच्चा एक स्लाइड क्या बोले बस अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट ही किए थे सुबह में फिर से आए तो प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला कल से ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा सात बजे से जो क्लास है वो कल सात बजे से चलेगी आज थोड़ा सा हो गया है ठीक है अभी भी इन्वर्टर है वो लोड नहीं ले पा रहा है मतलब जब बिजली रहती है तभी लाइव क्लास हो पा रहा है इन्वर्टर जो है वो लोड नहीं ले पा रहा है उसी में प्रॉब्लम हो गया है, है चलिए छोटा मोटा कोचिंग है तो इन्वर्टर भी छोटा है ना बच्चा और गरीब आदमी हम लोग जैसे तैसे कितना स्लाइड हो गया एक दो स्लाइड सर बीएमसी मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी दो सब्जेक्ट है बच्चा दो सब पूछ रहा है कितने दिन में खत्म होगा तो बी एम सी टी और प्लस बिल्डिंग uh, मटेरियल है प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी है सिटी में कम से कम हम लेंगे क्लास एट क्लास लेंगे और इसमें भी मान के चलो आठ क्लास लगेगा तो तीन क्लास हो चुका है पांच क्लास मतलब ये तीन चार क्लास हो गया फाइव क्लास और इधर ये आठ बारह तेरह क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे ठीक है उससे ज्यादा नहीं जाएगा उसे पहले ही कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद कमेंट करके तुम लोग बता देना कि बी एम सी टी के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें ऑप्शन है मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल कमेंट करके बता देना BMCT जैसे ही कंप्लीट होगा आप क्या पढ़ोगे मॉम पढ़ोगे आरसी पढ़ोगे ठीक है इस्टीमेटिंग पढ़ोगे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे इस्टीमेटिंग करोगे या आरसी पढ़ना चाहेगा या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ेगा ठीक है या ग्राफिक्स पढ़ना चाहेगा बता देना कमेंट करके ठीक है जिसका ज्यादा कमेंट होगा वही सब स्टार्ट कर देंगे चलो आगे देखते हैं सुर्खी मोटार क्या होता है तो बताया थे बच्चा इसमें सुर्खी का यूज किया जाता है सैंड के जगह पे सुर्खी का S U R K I भी सही है और S U R K H I भी सही है दोनों जो लिखना है वो सही है सुर्खी या सुर्खी या सुर्खी जो भी बोलो ये यूज होता है सैंड के जगह पे और यहां पे बाइंडर जो होता है वो क्या होता है सर इसमें जो बाइंडर यूज होता है वो होता है लाइम लाइम का को हम लोग एज अ बाइंडर यूज करते हैं तो सुर्खी मोटार इज ए टाइप ऑफ मोटार वेयर लाइम इज यूज एज बाइंडिंग मटेरियल एंड सर सुर्खी इज यूज एज फाइन एग्रीगेट जहां पे सुर्खी का यूज किया जाता है फाइन एग्रीगेट की जगह पे और क्या बोले बच्चा सुर्खी या सुर्खी दोनों करेक्ट है लिखना आप के एच आई भी लिखो ये भी सही है और एस यू आर के आई भी लिखो ये भी सही है दोनों सही है ठीक है सुर्खी मोटार इज इकोनॉमिकल ये इकोनॉमिकल होता है या इकोनॉमिक होता है जो भी लोग इकोनॉमिकल वुड बी बेटर वर्ड ये क्या हो जाएगा इकोनॉमिकल होता है सस्ता होता है ठीक है बचा हुआ बेकार ईट जो इधर उधर पड़ा हुआ है उसको लाओ लेबर से कुटवा दो ठीक है तो वो छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा और उसका यूज कर लो एज अ सैंड ठीक है अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एराइज होता है कि सर एक्चुअली में सुर्खी कहते हैं किसको या सुर्खी कहते हैं किसको है सुर्खी बोलो या सुर्खी बोलो दोनों सेम चीज है तो सुर्खी इज यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर सैंड र्खी को सैंड के जगह पे हम लोग यूज करते हैं सब्सिट्यूट है फॉर कॉन्क्रीट एंड मोटार इसका यूज कॉन्क्रीट और मोटार दोनों में करते हैं सुर्खी इज मेड बाय ग्रिंडिंग टू पाउडर पीसा जाता है कहां तक पीसते हैं बच्चा यहां पे देखो देखने वाली बात है कि बोल रहे हैं कि इसको ग्राउंड किया जाता है ग्रिंडिंग किया जाता है पीसा जाता है किसको पीसते हैं पाउडर बनने तक किसको पीसते हैं तो बर्नड ब्रिक पका हुआ ईट या बो रहा है ब्रिक बैट्स अच्छा ब्रिक बैट का मतलब टूटा हुआ अरे आधा ईटा होता है ना तो वो समझ लो ब्रिक बैट आधा ईटा और बर्नड क्ले या स्पेशली क्ले को ब्रिक के तरह पका के उसको पीस दिया जाता है चलो ये पहला पॉइंट हो गया सुर्खी से पूछ देता है क्वेश्चन कि सुर्खी है क्या तो बर्नड ब्रिक का पाउडर को सुर्खी कहते हैं और इसको सैंड के जगह पे यूज किया जाता है ठीक है देखो पोजलाना इज ए वोल्केनिक सबस्टांस इन इटली पोजलाना एक वोल्केनिक ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से वो पोजलाना निकलता है ठीक है इटली में खूब इरप्शन वो, होता है इट इज लाइम टू प्रोड्यूस मोटार और पोजलाना को लाइम के साथ मिलाकर हम लोग सुर्खी मोटार बना सकते हैं लेकिन इंडिया में वोल्केनिक इरप्शन होता नहीं है तीसरा पॉइंट बचा है इंडिया में अच्छा अगर अब अब यहां से दो चीज आपको समझ में आया है दो चीज क्या समझ में आया कि सुर्खी जो है अगर ऑब्जेक्टिव कभी पूछ दिया कि सुर्खी क्या है तो आप पहला बोलोगे ब्रिक ब्रिक का पाउडर और दूसरा क्या होता है पोजोलाना क्या बोल रहे बच्चा Pozolana, L -A -N -A, ये दोनों सूर्खी है लेकिन इंडिया में पोजलाना पाया नहीं जाता है क्योंकि ये वोल्केनिक इरप्शन से मिलता है तो इंडिया में बर्ंट ब्रिक को ही हम लोग यूज कर देते हैं ठीक है जैसे इटली में अगर यहां पे ब्रिक जो है वो एक चीज को समझना

अगर कभी चमक जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सुर्खी क्या होता है तो आप बता दोगे चलो अब यहां से एक बार हम कमेंट देख लेते हैं आ, कुछ स्टूडेंट है, पैसा जाता है सर अच्छा सुधीर कुमार किस चीज से पैसा जाता है वहीं पे डायरेक्ट आप पेमेंट कर लेना गूगल पे फोन पे से जाता है कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल कर लेना एट सेवन नाइन सेवन टू एट सिक्स सेवन थ्री सेवन या फिर एट सिक्स जीरो थ्री टू सेवन सिक्स सेवन थ्री सेवन ठीक है ये दोनों नंबर है ठीक है ये जो फोन उठाएंगे वो राहुल सर उठाएंगे ठीक है ये फोन जो है आर एच एल ये राहुल सर उठाएंगे और ये जो है वो ऑफिस का नंबर है दोनों ऑफिस का ही नंबर है ये कोई भी उठा सकता है ये कोई भी ये फोन उठा सकता है ये सोस वो सोशल वाला फोन है ठीक है सोशल का मतलब कहीं रोड पे पड़ा हुआ रहता है कोई भी चलते फिरते उठा लेगा ठीक है चलो तो ये दो नंबर याद कर लेना आप लोग याद क्या कहीं पे लिख लेना कोई छोटा मोटा क्वायरी होगा सर आज क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा सर मतलब ठीक है और ईद के दिन कल के कल भी आपकी क्लासेस चलेगी मान के चलते हैं कि आप लोग जो लोग अटेंड कर पाएंगे वो बढ़िया है जो नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड देख लेना तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गेज मोटार सुर्खी हो चुका है गेज मोटार ठीक है तो इसमें देखना गेज मोटार में ध्यान से समझना गेज मोटार में जो बाइंडर होता है जो बाइंडर होता है वो दोनों होता है यहां पे लाइम और सीमेंट लाइम प्लस सीमेंट दोनों का यूज करते हैं ठीक है और जो फिलर मटेरियल या फाइन एग्रीगेट की बात किया जाए तो यहां पे फाइन एग्रीगेट होता है वो सैंड होता है सुर्खी का यूज नहीं करते यहां पे सैंड का यूज करते हैं तो अगर पूछेगा कि गेज मोटार क्या होता है तो लाइम और सीमेंट दोनों एज अ बाइंडर रहेगा तो इसको हम लोग गेज मोटार बोलेंगे देखो गेज मोटार इज ए टाइप ऑफ मोटार वेयर सीमेंट जहां पे सीमेंट और लाइम दोनों का हम लोग यूज करते हैं बोथ आर यूज एज बाइंडर मटेरियल देखो इससे क्या होता है ना श्रिंकेज कम जाता है ठीक है श्रिंकेज कम जाता है वाटर में जैसे लाइम अगर सिर्फ लाइम यूज करेंगे ये इकोनॉमिकल है सस्ता है अगर लाइम यूज करेंगे तो वाटर में या पानी के परजेंस में मॉइस्र के परजेंस में गेज मोटार जल्दी जम जाता है ठीक है बाइंडिंग मटेरियल एंड सैंड यूज एज फाइन एग्रीगेट सीमेंट टू लाइम प्रपोशन वेरिज फ्रोम टू सिक्स और लाइम का जो प्रपोशन होता है यानी इसमें ज़्यादा होता है। एक रेशियो से लेकर एक रेशियो नौ तक हम लोग करते हैं किसका सीमेंट और लाइम का ये वन रेशियो सिक्स एक के जी अगर सीमेंट होगा तो छह के जी क्या होगा लाइम होगा अगर सीमेंट एक के जी होता है तो लाइम छ के जी होगा ऐसे हम लोग इस प्रपोशन में मिलाते हैं तो उम्मीद है कि देखो ये वाला अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं गया कहीं और हमको लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट है कि गेज मोटार में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल होता है आ गया समझ में ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछा है कि गेज मोटार में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है तो सीमेंट और लाइम होता है द सीमेंट टू लाइम प्रपोशन बन रेस टू नाइन ये याद रख लेना लेकिन उम्मीद कम है बस यही क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा गेज मोटार इज इकोनॉमिकल देन सीमेंट कॉन्क्रीट क्योंकि देखो लाइम का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है सीमेंट का कॉस्ट अभी थोड़ा ज्यादा है ठीक है इस कंपेयर में अगर देखोगे तो इकोनॉमिकल मिलेगा अब देखो खैनी वाला चूना लेगा तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा क्योंकि वो खाने के काम में आता है लेकिन वो चूना जिससे तुम पुताई करेगा वो तुमको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा इट इज ऑल्सो प्रोसेस हाइयर स्ट्रेंथ देन लाइम मोटर हाँ तो लाइम मोटार से कंपेयर करोगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन सीमेंट मोटार से इसका स्ट्रेंथ कम होता है अगर सीमेंट मोटार से अगर इसका हम लोग कंपेयर करें तो इसका मजबूती क्या होता है कम होता है लेकिन अगर केवल लाइम मोटार से बात करें तो इसका मजबूती ज्यादा होता है ठीक है देखो लाइम जो है उसमें कम एक्टिव केमिकल्स है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो इसका जो ड्यूराबिलिटी है वो ज्यादा होता है ठीक है जो भी लाइम मोटार होगा उसका ड्यूराबिलिटी ज्यादा होगा सर वन रेशियो थ्री टू वन रेशियो एट बोले थे गेज मोटार में हाँ देखो बच्चा ये ये बोल रहे हैं ना डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कल ये भी बोले थे कि वन रेशियो थ्री से वन रेशियो एट या नाइन तक होता है अगर याद होगा तो हम ये बोले थे कि वन रेशियो थ्री से लेकर वन रेशियो एट या वन रेशियो नाइन तक होता है ठीक है ये बोले थे तो देखो अगर तुमको ज्यादा अच्छा गेज मोटार बनाना है तो इसमें देखो रेशियो मिक्स किया जाता है इन द सीमेंट लाइम प्रोपोर्शन भैर फ्रॉम ये ये जो ये जो है वो एक कॉमन टर्म है इसके अलावा अगर गेज मोटार तुम लोग से बनाओगे तो नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा अगर वन रेसियो फाइव से हम लोग गेज मोटार बनाएंगे तो बनेगा बिल्कुल बनेगा अच्छा वन रेसियो इसमें फाइव क्या है तो एक जो है वो सीमेंट है और इसमें फाइव है वो क्या है लाइम है बिल्कुल बनेगा इससे भी गेज मोटार ही बनेगा यहां पे ये देखो कि लाइम और क्या होता है बच्चा यहां पर लाइम और सीमेंट को एज अ बाइंडर यूज करेंगे ये गेज मोटार होगा ठीक है ये एक जनरल है जो इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन देगा ये इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन देगा यहां से आपको इकोनॉमिकल मिलेगा ठीक है लेकिन गेज मोटार अगर हम लोग एक रेशियो वन से भी बनाएंगे तो भी गेज मोटार बनेगा वन रेशियो टू से भी गेज मोटार बनेगा लेकिन वन रेशियो थ्री टू वन रेशियो एट या वन रेशियो नाइन यूज किया जाता है और इसके बीच में यहां पे आपको इकोनॉमिकल मिलेगा ठीक है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कल बोले थे कि यूज करते हैं अगर लाइम और सीमेंट दोनों यहां से वन रेसियो सिक्स टू वन रेसियो नाइन में आपको इकोनॉमिकल मिलेगा ठीक है इकोनॉमिकल मिलेगा चलो हाँ जो भी मन करेगा स्टार्ट करेंगे देखते हैं अगर जो मन करेगा वहीं पे अब और कुछ स्टूडेंट से हम बात कर लेंगे जैसा उन लोग का डिमांड होगा उसी के आधार पे अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले ये है कि इसको जल्दी से जल्दी आ, दस क्लास या ग्यारह क्लास मैक्सिमम दस क्लास में इसको कम्प्लीट करें फिर हम लोग आगे देखेंगे चलो और किसी का कुछ कमेंट सर्वे हाँ सर्वे सर्वे जो है वो आपको पढ़ाएंगे हाँ बिल्कुल सर्वे पढ़ाएंगे सावन सर तो सर्वे पहले आपको मैकेनिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद सर्वेइंग स्टार्ट करवा देंगे ठीक है चलो अब लास्ट है यहाँ पे एक लास्ट मोटार है मर्ड मोटार जिसका यूज बहुत ही कम होता है ठीक है अन मतलब ऐसा ज, आ, ऐसा सिचुएशन जहां पे पैसे नहीं है ना के बराबर है और लाइम और सीमेंट प्रेजेंट नहीं है हम क्या बोल रहे हैं बच्चा ऐसा सिचुएशन जहां पे लाइम और सीमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है मिल ही नहीं रहा है ना लाइम मिल पा रहा है ना सीमेंट मिल पा रहा है ऐसे बहुत ज्यादा जा, दूर दराज के गांव होते हैं जहां पे लाइम और सीमेंट मिलना मुश्किल होता है वहां पे मर्ड मोटार का यूज करते हैं ठीक है मर्ड मोटार इज ए टाइप ऑफ मोटार वेयर मर्ड इज यूज एज बाइंडिंग मटेरियल मर्ड कहने का मतलब है क्या गीला मिट्टी ठीक है यहाँ पे आ, इस मोटार में मड का मतलब कीचड़ समझो बच्चा ठीक है एंड सॉ डस्ट आप ये भी बोल सकते हो सौ डस्ट करने का मतलब लकड़ी जब काटे काट कटेगा ठीक है तो वहां से जो लकड़ी का जो पाउडर मिलेगा वो या फिर खेत में धान वान का पाउडर है ठीक है कॉड है? गोबर इज यूज एज एग्रीगेट ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मड को मिलाते हैं मड के साथ क्या होता है गोबर मिला होता है यानी कौ डंग ठीक है या सौ डस्ट मिला देते हैं लकड़ी का बुरादा या राइस हस्क होता है ठीक है यानी चावल का धान का छिलका तो यहां से आपको क्या मिलेगा मड मोटार मिलेगा मड मोटार इज यूजफुल वेयर लाइम सीमेंट इज नॉट एवेलेबल ये वहां पे यूज किया जाता है ये वहां पे काम आता है जहां पे क्या होता है बच्चा लाइम और सीमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो ये कुछ था नहीं इसमें ज्यादा दम नहीं था यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा चलो ग्रॉट और गंटिंग जो होता है वहां से कुछ पूछ दिया जाता है अमित रॉक करा मेरा घर मड मोटार से बना हुआ है हाँ गांव में आपको दिख जाएगा मड मोटार का यूज किया जाता है अभी भी छोटा मोटा जो पुराना घर है वो बना हुआ होगा ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रॉट क्या होता है ग्राउंटिंग क्या होता है ग्रॉट एक मटेरियल है ग्रोटिंग एक प्रोसेस है ठीक है क्या है बच्चा ग्रॉट एक मटेरियल है ग्रॉट इज अ मटेरियल और इसको यूज करना इसको बोला जाता है ग्रोटिंग ग्रोटिंग क्या बोल रहे ग्रोटिंग g r o u t i n g ग्रोटिंग तो ग्रोटिंग एक प्रोसेस है ठीक है एक विधि है और ग्रॉट क्या एक मटेरियल है ग्रॉट क्या मटेरियल है ठीक है जहां-तहां क्रैक आ जाता है जहां-तहां क्रैक आ जाता है तो इस क्रैक को फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक फ्लूड टाइप का फ्लोइंग मटेरियल होता है जिसको ग्रॉट कहा जाता है इसको हम लोग फिल कर देते हैं रिपेयर के लिए काम आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछेगा grot, grot क्या होता है तो सीमेंट मोटार और सीमेंट मोटार के अलावा दूसरा कुछ मटेरियल हो सकता है ठीक है तो सीमेंट मोटार ऑफ फ्लूड कंसिस्टेंसी अच्छा इसका कंसिस्टेंसी इस कंसिस्टेंसी क्या है कंसिस्टेंसी इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू वॉटर इसमें जो पानी का मात्रा है कंसिस्टेंसी इज ए टर्म विच इज रिलेटेड टू वॉटर यह पानी का जो मात्रा होगा सीमेंट मोटार में वो फ्लूड टाइप का होगा ताकि इजिली क्रैक्स में क्या हो सके पेनिट्रेट कर सके यूज टू फिल द व्हाइट एंड ज्वाइंट इन मैसोनरी तो कोई भी ज्वाइंट को भरने के लिए या व्हाइट्स को भरने के लिए ग्रॉट का यूज करते हैं टू रिपेयर द क्रैक इज नोन एज ग्रॉट तो सीमेंट मोटार जिसका कंसिस्टेंसी फ्लूड टाइप का होता है ध्यान से सुनना बच्चा सीमेंट मोटार जिसका कंसिस्टेंसी फ्लूड टाइप का होता है जिसको हम लोग क्रैक या व्हाइड भरने में यूज करते हैं उसी को ग्रॉट कहते हैं ग्रॉट रेडीमेड प्रोडक्ट भी हो सकता है जैसे यहां पे जो ग्रॉट है वो रेडीमेड प्रोडक्ट है सीमेंट मोटार के जगह पे इसमें कुछ इपोक्सी मटेरियल यूजफुल मटेरियल हम लोग डाल सकते हैं इसका यूज किया जाता है क्रैक्स को भरने के लिए टाइल्स के बीच में जो जगह होता है उसको भी भरने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको ग्रोट ही कहा जाता है समझ गया ये चीज ग्रॉट और ग्रोट ग्रोटिंग क्या है तो क्रैक्स को फिल करना ग्रॉटिंग कहलाता है क्रैक्स को भर देना ग्रोटिंग कहलाता है ग्रॉट क्या होता है तो सीमेंट मोटार जो फ्लूड टाइप का कंसिस्टेंसी है जिसको ग्रॉट कहते हैं ग्रॉट इज ए मटेरियल विच हैज कंसिस्टेंसी लाइक ए फ्लूड विच इज मेड बाई सीमेंट सैंड एंड वॉटर सीमेंट स्लरी भी हो सकता है ग्राउट सिर्फ सीमेंट और पानी को मिला दो तो भी वो ग्राउट ही कहलाता है वाइट फील किया जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर जो वॉल चुनाई किया जाता है उसमें कितना रेशियो लेते हैं यस yes, सर हो गया रिफ्रेश कर लो सब लोग चलो देखो आवाज़ आ रहा होगा एक बार कमेंट करके बोल दो एवरीथिंग इज फाइन और नॉट आ गया लाइव अरे ये सब समस्या होगा लाइफ में कभी बोलते बोलते बैटरी खत्म हो जाएगा कभी नेट का कनेक्शन ठीक है तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ तुम लोग मैनेज करना ये सब जगह पे होता है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है ठीक है अब अब जो है वो आगे देखते हैं साउंड ओके है लाइव चल रहा है क्लियर है अच्छा ये बाल बा, वॉल चुनाई का मतलब क्या हो गया ये हम समझे नहीं चुनाई मतलब चुना का पुताई करना क्या अच्छा दीवाल को जोड़ना चुनाई उसको बोल रहा है क्या ब्रिक चुनाई का मतलब ब्रिक में एक ब्रिक को दूसरा लेयर से बनाते हैं वो वाला एक ब्रिक को दूसरा ब्रिक से बनाने के लिए अभी बताए थे कि सुपर स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर में अगर ब्रिक वॉल बनाओगे तो वन रेसियो थ्री वन थ्री से लेकर वन फोर रखा जाता है और अगर फाउंडेशन है फाउंडेशन है तो वन रेसियो फाइवियो सिक्स यूज करते हैं ठीक है five, का यूज करते हैं चलो अब यहां पे हम लोग देखते हैं गंटिंग क्या होता है इसमें एक न्यूमेटिक बोल सकते हैं प्रेशर वाला गन होता है जहां पे प्रेशर जो है वो एक इंजन या मोटर से जनरेट करवाते हैं देखो इसमें कंक्रीट भेजा जाता है और ये प्रेशर से क्या करता है एक गन के थ्रू एक प्रेशर के बोल सकता है इस गन से काफी प्रेशर में मोटार या कंक्रीट दोनों क्या बोल रहे बच्चा मोटार या कंक्रीट दोनों निकलता है तो गंटिंग में मोटार का भी यूज करते हैं ओ आर टी ए आर मोटार का भी यूज करते हैं और कॉन्क्रीट का भी यूज करते हैं ठीक है काफी प्रेशर से निकलता है तो ये कॉम्पैक्टेड एक लेयर या स्ट्रक्चर बना देता है जो काफी ड्यूरेबल और, और स्ट्रोंग होता है नहीं को जोड़ना नहीं ने ब्रिक को जोड़ना ब्रिक को जोड़ने के लिए वन रेस थ्री बताया अभी चलो आगे देखते हैं कमेंट अब करते रहना बीच बीच में हम देखते रहेंगे लगातार तो नहीं बीच इंटरवल में जाके देख लेंगे तो गंटिंग समझ गया एप्लीकेशन ऑफ मोटार मोटर मोटार या कॉन्क्रीट को अंडर प्रेशर थ्रू ए सीमेंट गन इज नोन एज गंटिंग तो एक प्रेशर गन से सीमेंट और मोटार को प्लेस करना गंटिंग कहलाता है हो गया ग्रॉट और गंटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया मोटार फ्लूड कंसिस्टेंसी का जिसका यूज हम लोग रिपेयर में या क्रैक या व्हाइट को भरने में कहते हैं उसको ग्रोट या ग्रोटिंग कहा जाता है और गंटिंग में क्या होता है पूरा कॉन्क्रीट या मोटार से या स्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण कर देते हैं ठीक है तो बोथ आर डिफरेंट थिंग दोनों अलग अलग चीज है ठीक है अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा ब्रिक मैसूनरी यहां से मोटार कंप्लीट हो गया तो अभी हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है अब ब्रिक मैसुनरिया स्टार्ट होगा हम बता देते हैं कि क्या क्या दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं तो यहां पे ब्रिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है टॉपिक कंप्लीट हो गया मोटार बीएमसीटी में जो पढ़ना है वो हम एक बार बता देते हैं आपको क्या क्या हम हम लोग कंप्लीट किए सो वी हैव कंप्लीटेड so, ब्रिक ब्रिक कंप्लीट कर चुके हैं अभी मोटार है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है ठीक है मोटार कंप्लीट हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग अब है वो हम लोग स्टार्ट किए तीसरा ब्रिक मैसोनरी ब्रिक मैसूनरी जब ये कंप्लीट हो जाएगा मान लो आज के क्लास में जहां तक हो पाएगा हो जाएगा तीसरा टॉपिक चल रहा है चौथा दिन आज का लेक्चर है वो लेक्चर फोर है चार लेक्चर में बचा टॉपिक तीन कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर फोर है आगे के अपकमिंग लेक्चर में अपकमिंग लेक्चर में जस्ट हम इसके बाद जैसे ब्रिक मैसोनरी कंप्लीट होगा हम स्टार्ट करेंगे टिम्बर ठीक है इसके बाद स्टार्ट करेंगे लाइम फिर से बो रहे इसके बाद स्टार्ट करेंगे रॉक पेंट वर्नी से सब चलेगा फिर उसके बाद सी स्टार्ट कर देंगे मैक्सिमम इसमें तीन क्लास लगना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा सात क्लास में बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट करेंगे अपकमिंग सात क्लास में सीटी कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर से बोल रहे आज ये लास्ट क्लास है आपका डेमो जो लाइव यूट्यूब पे चल रहा है अब जो है लाइव आपका नहीं चलेगा एप्लीकेशन पे ही आपको आना होगा मजबूरी है मेरा भी और ये आपका भी मजबूरी ही होगा ठीक है देखना यहां पे ब्रिक मैसूनरी कुछ यहां पे हम लोग टेक्निकल टर्म जानेंगे और ब्रिक मैसूनरी के बारे में जान लेते हैं ईट से या ईट का यूज करके ठीक है जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ध्यान से सुना बच्चा हम क्या बोल रहे हैं ब्रिक का यूज करके जब हम लोग कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पार्टीशन का काम करेगा या लोड लेने का काम करेगा उसको हम लोग ब्रिक मेसनरी बोलेंगे ब्रिक का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लोड लेने का या पार्टीशन करने का काम करेगा उसको ब्रिक मेसनरी बोलेंगे और ब्रिक जोड़ने का काम है वो मोटार करता है ठीक है जो ब्रिक जोड़ा जाता है वो मोटार से जोड़ा जाता है सर ओल्ड सिलेबस सिक्स सेमेस्टर का क्लास लेना था कॉल कर लेना आदित्य रजनीश राजा नहीं बच्चा यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं होगा आ, ये लाइव क्लास है वो हम एप्लीकेशन पे ही चलाएंगे चलो कमेंट है नहीं कुछ ज्यादा आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ब्रिक मैसूनरी समझ गया ब्रिक का जो वॉल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ब्रिक मैसूनरी बोलेंगे ये एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रिक मैसनरी जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो ब्रिक से करते हैं और टू बॉन्ड देम प्रोपरली विथ मोटार और उसको जोड़ा जाता है मोटार से मोटार से जोड़ दिया जाता है तो ब्रिक पड़ चुके हैं मोटार पड़ चुके हैं जोड़ने वाला मोटार है वो हो सकता है लाइम हो सीमेंट वाला मोटार हो या गेज मोटार का भी यूज कर सकते हो ब्रिक को जोड़ने के लिए ब्रिक मैसूनरी का मतलब ब्रिक स्ट्रक्चर ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वॉल ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है सर वॉल जो स्ट्रक्चर होगा वो वॉल ही होगा ठीक है ब्रिक से जनरली हम लोग ब्रिक बॉल ही बनाते हैं जिसमें टेक्निकल टर्म थोड़ा सा जान लो कि हेडर क्या होता है अस्ट्रेचर क्या होता है बेड क्या होता है अस्ट्रेचर हेडर और बेड ये तीनों के बारे में देख लो एक डायग्राम यही से समझ में आ जाएगा देखो बच्चा अगर तुम लोग जानते हो तो ऊपर वाले फेस को यहां पे इसको फ्रॉक कहा जाता है बॉटम वाला जो सतह होगा उसको बेड कहते हैं यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेड कहते हैं इसको हम लोग बेड का बेड का मतलब ब्रिक के बॉटम वाला जो सतह है इसी को बेड कहा जाता है दिस इज बेड ठीक है बेड और ये फेस है फ्रॉग ये फ्रॉग वाला फेस है ये बेड है जो लंबा इसका लेंथ होता है यानी जो 19 सेंटीमीटर बेड समझ गया ना किसको बोलते हैं एक तो एक एक होगा लेयर जिसमें क्या रहेगा फ्रॉग रहेगा उसको बेड नहीं बोलेंगे उसके नीचे वाले सतह को बेड बोलेंगे इसके नीचे ब्रिक के जो नीचे वाला सतह होगा उसी को बेड कहा जाएगा जो लॉन्गर फेस होगा जिसका जिसमें लंबाई इंक्लूडेड होगा इस फेस को अरे स्ट्रेचर क्या है सर किसको स्ट्रेचर बोलते हैं फेस को स्ट्रेचर बोला जाता है हेडर किसको बोलते हैं फेस को हेडर बोलते हैं अच्छा इस फेस का डायमेंशन देखें, तो क्या उन्नीस गुने नौ होगा अरे स्ट्रेचर का जो फेस का डायमेंशन है वो ये उन्नीस होता है और हाइट होता है वो नौ तो स्ट्रेचर उन्नीस गुण नौ होगा इसमें तुम लोग एग्री करोगे जल्दी से कमेंट करके बताओ हेडर फेस का हेडर फेस का डायमेंशन कितना होगा ठीक है हेडर फेस का डायमेंशन कितना होगा कमेंट करके बताओ जगन कोहली फ्रॉग का डायमेंशन अगर फ्रॉग का डायमेंशन याद नहीं है तो लिख लेना यहां पे या अगर पुराना तुम लोग कहीं पे कुछ गलत लिखे होगे तो उसको सुधार लेना फ्रॉग का जो डायमेंशन होता है वो हम बता देते हैं यहाँ पे एक फ्रॉग है बच्चा तो ये जो frog का लेंथ होता है वो दस सेंटीमीटर होता है frog का लेंथ होता है वो दस सेंटीमीटर होता है या सौ मिलीमीटर mm होता है frog का जो चौड़ाई होता है फ्रॉग का चौड़ाई यानी पे मैक्सिमम आपको चौड़ाई दिख रहा है मैक्सिमम जो चौड़ाई होता है वो चालीस मिलीमीटर mm होता है और फ्रॉग का जो गहराई होता है फ्रॉग का जो डेप्थ होता है वो एक सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर mm से लेकर 20 मिलीमीटर mm के बीच में होता है समझ में आ गया इसी के बीच में हम लोग फ्रॉक का डायमेंशन रखते हैं हाँ अभिषेक बिल्कुल करेक्ट है 100 मिलीमीटर mm, 40 और 20 हाँ दस चारे का स्टाइलिश वॉइस बिल्कुल करेक्ट है तो उम्मीद है कि फ्रॉक का डायमेंशन समझ में आ गया होगा फ्रॉक का जो लंबाई होता है वो दस सेंटीमीटर होता है फ्रॉग का जो चौड़ाई है वो चार सेंटीमीटर होता है इसका गहराई एक से लेकर दो सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है क्या हराई एक से दो सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है हाँ कर बिथ मोटार नहीं रे बच्चा मोटार के साथ नहीं ऐसे ही बताना था बिल्कुल सही है सब जितना भी स्टूडेंट कमेंट किया है कि इसका जो फेस होता है बच्चा ये जो हेडर का फेस है ये नाइन सेंटीमीटर गुने नाइन सेंटीमीटर होता है नौ सेंटीमीटर गुने नौ सेंटीमीटर होता है ठीक है ओके चलो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा तो अभी आपको तीन चीज समझाए पहला चीज आपको बेड समझाए क्या होता है दूसरा चीज क्या समझाए अस्ट्रेचर क्या होता है तीसरा चीज आपको क्या समझाए हेडर क्या होता है अस्ट्रेचर हेडर एंड बेड आर फेसेस ये फेस कहने का मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करता है अस्ट्रेचर है ये क्या करता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है लेंथ वाइज विर्थ वाइज ऐसे ना समझो एरिया वाइस एरिया वाइज समझो कि अस्ट्रेचर होता है वो एरिया एरिया होता है फेस होता है हेडर फेस होता है बेड क्या होता है बॉटम वाला लेयर को हम लोग बेड कहते हैं चलो बहुत बढ़िया तो जितना भी अभी आपको हम समझाएं, यहां पे लिखा हुआ है। एक बार खुद से देखो जस्ट वेट देखो एक बार देखो गर्मी है लगातार बोलना होता है बच्चा बहुत ठीक है क्लियर है सर फोर्थ सेमेस्टर का क्लास परचेज करना है हमको आठ से दस लोग हैं सुधीर कुमार ठीक है हो जाएगा एडमिशन आठ से दस लोग तो इसमें सब कोई थर्ड और फिफ्थ वाला है नहीं ना सब तो एलआरसी वाला बच्चा होगा रजनीश आज ही होगा आज ही अनाउंसमेंट करेंगे इंजीनियर आज़ाद तरफ तो आप शिक्षक शिक्षक के लिए ही बने हुए हैं ठीक है, है? रविशंकर अच्छा पुराना कोचिंग से ही पढ़ते आ रहा है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं बस समझते रहो मतलब तुम थर्ड सेमेस्टर पढ़ा था मेरे से वहाँ पे पुराने वाले कोचिंग में ठीक है बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं देखो अब यहां पे ब्रिक मैसोनरी समझ में आ गया था अब टेक्निकल टर्म समझो पहला चीज है स्ट्रेचर स्ट्रेचर इज द लॉन्गर फेस फेस की बात कर रहे एरिया का बात किया जा रहा है। जो होता है वो लॉन्गर फेस होता है ऑफ ब्रिक जिसका डायमेंशन उन्नीस गुने नौ होता है जो अभी आपको हम दिखाए थे हेडर ये आपको पढ़ा हुआ नया चीज नहीं है आपके लिए हेडर इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक ये सबसे छोटा फेस होता है जिसका डायमेंशन नौ गुने नौ होता है ठीक है बेड इज द लोअर सरफेस बेड क्या है बचा लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक जब उसको फ्लैट बिछाते हैं ऐसे नहीं ऐसे बिछा दो ठीक है जब उसको आप फ्लैट बिछाओगे यानी यहां पे जो ब्रिक दिखा हुआ है ये क्या बोलेंगे ये फ्लैट बिछा हुआ है ये फ्लैट बिछा हुआ है ठीक है जब इसका लोअर फेस होता है जब आप इसको फ्लैट बिछाओगे तो उसको बेड कहेंगे ठीक है ऊपर वाला होगा वो फ्रॉक फेस का लाएगा बेड इज द लोअर सरफेस ब्रिक के नीचे वाला सरफेस ऊपर वाला हो गया फ्रॉग और नीचे वाला सरफेस जिसका डायमेंशन उन्नीस ब्रिक वेन लेड फ्लैट जब उसको हम लोग फ्लैट बिछाते हैं ठीक है तो बॉटम वाला सरफेस बढ़िया है आगे देख लेते हैं किसी को लिखना है स्क्रीन लेना है हम हट जाते हैं ले लो तो बेड हो गया काम बच्चा नेक्स्ट नेक्स्ट आगे देखते हैं क्लोजर क्लोजर समझना क्या होता है जब हम लोग एक ब्रिक को ध्यान से समझना ब्रिक को एक लेंथ को हटा देते हैं व्यर्थ को आधा कर देते हैं जब ब्रिक के व्य को आधा कर दिया जाता है सुना क्या बोले जब ब्रिक के वर्थ को आधा कर दिया जाता है जब ब्रिक के वर्थ को आधा कर दिया जाता है और इसको लेंथवाइज कट कर देते हैं तो ये जो है वो क्लोजर कहलाता है आ गया समझ में अच्छा ये काम करते क्यों है ऐसे ब्रिक को काटा क्यों जाता है कोई कमेंट करके बताएगा कि इसको इसको क्लोजर बनाने के लिए जहां पे आपको ये क्लोजर दिख रहा है तो ब्रिक को आधा क्यों काटते हैं आधा है और आधा काटे क्यों इसके पीछे का पर्पस क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ये, ये किया क्यों जाता है किसी को याद है जी सर अकॉर्डिंग टू यूज प्रवीण बहुत अच्छा हा इस्तेमाल के अनुसार बहुत अच्छे विर्थ को आधा कर देते हैं ठीक है और इसका यूज करते हैं यूज की? बहुत अच्छे रविशंकर बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला है हम लोग जब बाउंड बनाते हैं ठीक है तो इसमें आपको वर्टिकल ज्वाइंट दिखेगा जब ज्वाइंट बाउंड बनाते बच्चा तो वर्टिकल ज्वाइंट दिखता है जैसे मान लो कि यहाँ पे हम हेडर लगाए सॉरी स्ट्रेचर है फिर यहाँ पे स्ट्रेचर है और ऊपर में हेडर हेडर दे, देते चले गए यहाँ पे हेडर तो हेडर जो होगा अगला जब जैसे हम हेडर रखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा तो इस चीज से बचने के लिए कि एक ज्वाइंट वर्टिकल ज्वाइंट दूसरे के सामने ना आ जाए तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लोजर, है। क्लोजर एक जैसे यहाँ पे लगा दिए तो ज्वाइंट यहाँ पे बना अगला जो ब्रिक देंगे हम लोग को ऐसे बिछाना पड़ेगा अगर ज्वाइंट ऊपर नीचे या सामने एक साथ आ जाएगा तो ये ब्रिक को कमजोर कर देता है तो वर्टिकल ज्वाइंट एक साथ ना बन सके अगर आप एक ब्रिक वॉल बनाओगे तो वर्टिकल ज्वाइंट अगर एक साथ बनेगा तो ये वॉल को कमजोर कर देता है इसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है तो वर्टिकल ज्वाइंट एक साथ नहीं बनना चाहिए ठीक है हम रूल बनाएंगे बताएंगे मैसूनरी बनाने से पहले तो इसका पर्पज समझ में आ गया ये वर्टिकल ज्वाइंट को स्टैगर्ड करने में काम आता है ये वर्टिकल ज्वाइंट को एक साथ बनने नहीं देता है तो क्लोजर किसको कहते हैं तो इट इज अ पोर्सन ऑफ ब्रिक ये ब्रिक का वो भाग या वो पार्ट होता है बिथ कट मेड लॉन्गिट्यूडनली बनाते हैं या फिर दिवाल को फिनिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है क्लोजर इज यूज टू क्लोजअप बॉन्ड एट द एंड ऑफ कोर्सेज कोर्सेज का मतलब यहां पर लेयर कोर्सेज का मतलब क्या हो गया बच्चा लेयर एक लेर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं क्लोजर में भी और वेरियस टाइप क्लोजर बहुत तरह के हो सकते हैं जो पहला आपको दिख रहा है क्विन और ये क्वार्टर क्वीन क्लोजर तो देखना नेक्स्ट तब टेक्निकल टर्म, टर्म चल रहा है सर हम लोगों को डब्ल्यू एस एम मेथड भी पढ़ना पड़ेगा हाँ आपको अगर आप सिक्स सेमेस्टर में है तो जो स्टील डिजाइन है उसमें डब्ल्यू का यूज है अरे बच्चा आज वाला अनाउंसमेंट में हम कर देंगे शाम तक सेमेस्टर का अनाउंसमेंट चला जाएगा रोता बहुत है तुम लोग ठीक है प्रिपरेशन हाँ, करो बढ़िया चीज है लेकिन आज कर देंगे आज अनाउंसमेंट चला जाएगा ठीक है देखना यहाँ पे अब हम बात किसका कर रहे हैं बच्चा क्वीन क्लोजर का देखो यहाँ पे एक फुल ब्रिक है इस फुल ब्रिक को लेवाइज कट कर दिया गया है और लेंथवाइज कट करने से आधा भाग को हटा दिए यानी इसको दो भाग में बांट दिया गया है तो इसका जो चौड़ाई होगा वो फुल ब्रिक का हाफ होगा इसका जो चौड़ाई होगा वो फुल ब्रिक का हाफ होगा वन बाई टू होगा ठीक है इसी को बोला जाता है क्वीन क्लोजर देखना क्वीन क्लोजर इज ए पोर्सन ऑफ ब्रिक क्वीन क्लोजर है वो ब्रिक का वो पोर्सन है ऑप्टेन बाई कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज तो लेंथ वाइज लेंथ के आधार पर कट कर देते इंटू टू पोर्सन देखना इट इज द ब्रिक विच विच इज हाफ एज द वाइड एज द फुल ब्रिक ये जो क्वीन क्लोजर ब्रिक होता है वो एक ऐसा ब्रिक होता है ध्यान से समझना क्वीन क्लोजर एक ब्रिक होता है वैसा ब्रिक होता है जिसका वृत्त जो है वो हाफ होता है फुल ब्रिक का तो क्वीन क्लोजर का जो व्यक्त होगा क्वीन क्लोजर का जो चौड़ाई होगा वो फुल ब्रिक का आधा होगा ठीक है यानी एक फुल ब्रिक से दो क्वीन क्लोजर बना सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन क्लोजर हाफ इसको हम लोग क्वीन क्लोजर हाफ भी कहते हैं और इसी को जब चार भाग में बांट देंगे एक ब्रिक को चार भाग में या एक क्वीन क्लोजर को दो भाग में बांट देंगे यानी फिर से इसको तोड़ दिया जाएगा या कट कर दिया जाएगा तो ये क्वार्टर कहलाता है क्वार्टर क्वीन क्लोजर कहलाता है इफ क्वीन क्लोजर ये जो क्वीन क्लोजर है इसको दो भाग में बांट दिए ब्रोकन इंटू टू पीसेज इट इज नोन एज क्वीन क्लोजर क्वार्टर इट इज वन क्वार्टर ऑफ द ब्रिक साइज ये एक ब्रिक साइज का चौथाई होता है तो फुल ब्रिक का ये हाफ पूरा इसका आ, बोल सकते हो मास एरिया किए हुए रहता है ठीक है तो हम लोग क्या कि एक फुल ब्रिक को अगर दो भाग में बांटे तो क्वीन क्लोजर क्वीन क्लोजर को दो भाग में बांट दिए तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर सर संडे तक यूट्यूब पे रखिए क्लास रख देंगे बच्चा आप लोग का डिमांड सर आंखों पर लोग जो बोलेगा वही होगा रख देंगे संडे तक रख देंगे क्या दिक्कत है अरे तुम लोग डिमांड करेगा तब ना हमको समझ में आएगा हमको लगेगा तुम लोग सेटिस्फाइड हो गया ठीक है चलो अच्छा बीएमसी बीएम सर हम लोग को डब्ल्यू एस एम पढ़ना है बीएमसीटी को क्या किस पे कंप्लीट करेगा कर देंगे क्या दिक्कत चलो ठीक है तो क्वीन क्लोजर की हम लोग बात कर रहे थे बच्चा क्वीन क्लोजर कंप्लीट हो गया ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किंग क्लोजर किंग क्लोजर समझेगा पहले उसके बाद लिखवा देंगे किंग क्लोजर को पहले तुम लोग समझ लो उसके बाद हम लिखवा देंगे देखो बच्चा अच्छे से समझना किंग क्लोजर एक ही कंडीशन में बनेगा दूसरा कंडीशन में बनाएगा तो गधा पीट जाओगे ध्यान से समझना किंग क्लोजर में क्या करते हैं कि जो चौड़ाई है उसको आधा में रख के काटा जाता है और जो लंबाई है उसको भी आधा में और बोला क्या जाता है कभी कभी अंग्रेजी में बोलेगा कि वर्त को हाफ से काटते हैं और लेंथ को वर्थ के बराबर काट दिया जाता है कभी कभी यह भी बोलेगा कि इसका अगर लंबाई नौ सेंटीमीटर है तो ये जो कट होता है वो नौ सेंटीमीटर काटा जाता है यह भी इंग्लिश में चलता है या इसको दूसरे भाषा में यह बोलेगा कि किंग क्लोजर है वो एक कॉर्नर को ट्रायंगल के रूप में निकालना होता है और इसको काट के बाहर निकालोगे जो बचा हुआ ब्रिक होगा वो किंग क्लोजर होगा कट कैसे करेंगे तो व्यथ को आधा और लेंथ को आधा या तो ये भी सही है या फिर ऐसा बोला जाता है कि व्यर्थ को आधा काटते हैं और लंबाई को व्यर्थ के बराबर जैसे अगर अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं कि ये व्यर्थ है ये बी है तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है पोर्शन क्या होगा बच्चा बी होगा यानी जितना व्यक्त है उतना ही लेंथ काट देते हैं यह भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है या व्य को आधा काटा जाता है और यह ट्रायंगल के रूप में एक कॉर्नर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो बचा हुआ जो पोर्शन होता है उसको किंग क्लोजर कहा जाता है चलो अब इसी को स्टेटमेंट के रूप में देख लो कब बनेगा किंग क्लोजर तो एकदम स्पेशल केस है हम लोग इस तरह से काटते हैं सच डेट विज विन इंड एक किनारा इधर दूसरा किनारा इधर तो एक इंड होता है इज कट ऑफ हाफ डेट ऑफ द फुल कैसे काटा जाता है कट ऑफ हाफ डेट ऑफ फुल आधार काट दिया जाता है थ इज कट ऑफ इक्वल टू द विथ जो है वो विथ के बराबर काट दिया जाता है या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लेंथ को आधा और विर्थ को आधा काट दिए तो भी यह क्या बनेगा किंग क्लोजर बनेगा इट इज ऑपटेन बाई कटिंग ट्राइंगल पीसेज इसको बनाया जाता है जब हम लोग ट्राइंगल पीस को काट देते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ वन इंड एंड सेंटर ऑफ अदर साइड तो सेंटर ऑफ एक इंड और सेंटर ऑफ अदर साइड काट दिए तो हो जाएगा जो, जो आधाचर को लेकर भागेगा आधा को लेकर भागेगा आधा हेडर को लेकर आधा, ले आधा स्ट्रेचर को लेकर भागेगा इट हैज हाफ यह ट्रेंगल वाला बात बोल रहा है तो जो ट्रेंगलवा भागेगा वह आधा हेडर आधा आधा स्ट्रेचर को लेकर भागेगा चलो क्लियर है किंग क्लोजर समझ में आ गया तो हमेशा जिंदगी भर याद रखना कि किंग क्लोजर में विर्थ को आधा लेंथ को आधा काट के निकाल दिया जाता है बचा हुआ पोर्शन किंग क्लोजर कहलाता है कुछ कमेंट करेगा तो कर लो हम देख रहे हैं हां नील नॉन टेक का भी क्लास चलेगा बच्चा नॉन टेक का भी क्लास चलेगा डेमो दे देंगे उसके बाद ही आप लोग कुछ डिसीजन लीजिएगा तुम लोग रोता बहुत है ठीक है चलो ठीक है अब इसके बाद देखते हैं बेवेल्ड क्लोजर बेवेल्ड क्लोजर में बच्चा देखना यहां पे क्या करते हैं देखना इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ किंग क्लोजर इन विच होल लेंथ ऑफ द ब्रिक दैट इज अ स्ट्रेचर फेस इज कट ऑफ एंड हाफ ब्रथ इज मेंटेन और इसका विर्थ जो है वो हाफ मेंटेन होता है यहां पे हाफ विर्थ मेंटेन है आधा मेंटेन रखें और एक पूरा कट कर दिया जाता है देखते हैं बेबेल्ट क्लोजर का अगर और डायग्राम है तो हम आपको दिखा देते हैं देखो यहां पे क्या किए बेबेल्ट क्लोजर में जो व्यर्थ है इसका आधा वर्थ काटा गया है आधा रह गया है तो हाफ विर्थ रह गया है और इधर से पूरा का पूरा लेंथ उड़ा दिया गया तब ये बेबेल्ट बनेगा हाफ विर्थ एंड टोटल लेंथ तब आपको ये स्पेशल केस है किंग क्लोजर का किंग क्लोजर में क्या करते थे सर तो आधा लेंथ उड़ा दिए आधा वेर्थ उड़ा दिए ट्रायंगल के रूप में इसमें वेबेल्ट क्लोजर में क्या करेंगे पूरा उड़ा देंगे एकदम कॉर्नर से काटेंगे और इसका हाफ तक काटेंगे तो यह बेबेल्ट क्लोजर हो जाएगा आगे समझ में और क्लोजर एक होता है वो भी देख लो ठीक है अरे ये समझ में आ गया ना बेबेल्ट क्लोजर याद रहेगा ये स्पेशल देखो बेबेल क्लोजर होता है बेबेल क्लोजर होता है ये स्पेशल फॉर्म होता है किंग क्लोजर का

G.S. करेंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर यानी आप जो अपडेट होता है वो डेली वो पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा और लिखवाया भी हिंदी में जाएगा ये मतलब आपको जो लेक्चर मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा लेक्चर जो मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा और जो आपको नोट्स मिलेगा वो भी हिंदी में मिलेगा यानी जो भी आपको नोट्स दिया जाएगा यानी बोर्ड पे लिखवाया जाएगा वो हिंदी में लिखवाया जाएगा चलो ठीक है हाँ एक कमेंट देखे आप पवन कुमार बता रहे बच्चा चलो रविशंकर आपका डॉट क्लियर हो गया एकदम हिंदी में लिखवाया जाएगा हिंदी में पढ़ाया जाएगा बोलेगा कि नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगा आप ही लोग के सुविधा जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते माथा घूम गुम जाता है समझा तो इसीलिए हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं ताकि याद रह जाएगा लॉन्ग लंबे समय तक इसको बचपन से पढ़ते आए हो तो हिंदी में ही चलेगा अब पवन कुमार बोल बोरा सर किंग क्लोजर क्विंग कीं, किंग क्लोजर का या बेवल्ड क्लोजर का यूज कहां पे करते हैं देखना जब वॉल को आपको डेकोरेटिव बनाना है आप डेकोरेटिव वॉल बनाना चाहते हो कुछ ऐसा वॉल जो जिसका एस्थेटिक अच्छा हो जिसका लुक अच्छा हो कुछ डिजाइन या मॉडल बनाना चाहते हो तो ब्रिक को काटा जाता है तो ब्रिक को अगर ऐसे तोड़ा जाएगा या काटा जाएगा तब इसको बेबल्ट क्लोजर कहेंगे ये सब डेकोरेटिव वॉल बनाने के लिए इंटीरियर में मतलब कॉर्नर बना रहा है ठीक है रूम के अंदर इंटीरियर कर रहा है जैसे बच्चा एक यहां पे रूम है और इस रूम में तुम डिजाइन कर रहा है और ये इस तरह से इंटीरियर वॉल बनाना चाहता है कॉर्नर छिपाना चाहता है या उस तरह का कुछ इंटीरियर जो है वो मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इस तरह से ब्रिक को हम लोग काटते हैं क्लियर हो गया अनिल करा हिंदी में ठीक रहेगा बहुत अच्छे चलो इसके बाद मिड क्लोजर है और आई थिंक ये लास्ट होगा टॉपिक हाँ ये लास्ट टॉपिक है आज का आज थोड़ा पहले छोड़ देंगे बचा रहेगा वो क्या रहेगा बचा हुआ बच्चा हेडर बॉन्ड स्ट्रेचर बॉन्ड क्या बचा रह जाएगा बस एक छोटा टॉपिक बचा है bond, फिर इसके बाद आपका एक टॉपिक बचा रहेगा ये इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिस बॉन्ड इनके बीच का कंपेरिजन वो हम अगले क्लास में करवा देंगे ठीक है आज थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ा दिए हाँ इस टॉपिक से कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा देखो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव ऐसा आता ध्यान से सुनना आपको डायग्राम दे देगा पूछेगा कि इस तरह के ब्रिक को क्या कहते हैं ऐसे में भी पूछा है डायग्राम बना दिया गया है और पूछा है कि इस तरह के ब्रिक को क्या बोलते हैं या ऐसे पूछेगा कि ए ब्रिक इज कट ऑफ इन सच अबे लिखेगा ए ब्रिक ए ब्रिक इज कट ऑफ कट ऑफ इन सच अवे इन सच अवे डेट इट्स हाफ कटेड एंड लेंथ इज हाफ कटेड तो रिमेनिंग पोर्सन ऑफ द ब्रिक ब्रिक इज कॉल्ड वॉट वो लैंग्वेज में लिखेगा कि वर्थ को आधा और लेंथ को आधा कट कर दिया गया एक कॉर्नर उड़ा दिया गया ट्राइंगल के रूप में तो बचा हुआ ब्रिक क्या कहलाएगा ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या डायग्राम देके पूछता है जेई में ऐसा ही पूछा गया है सुना ना के है कि ब्रिक कौन सा लेंगे जिसमें हम कम से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ऑलरेडी 20 ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो एक छोटा टॉपिक से 50 ऑब्जेक्टिव बहुत होगा ब्रिक जैसा छोटा टॉपिक में अरे जहां पे सीमेंट आएगा कंक्रीट आएगा वहां पर दो, दो सौ ढाई सौ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे लेकिन एक छोटा सा टॉपिक पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो पचास काफी हो जाएगा चलो बच्चा एक छोटा सा टॉपिक है कंप्लीट करके रखने देते हैं माइट्रेट क्लोजर किसको कहा जाता है ठीक है देखना इसमें हम लोग क्या करते हैं एक कॉर्नर यानी पूरा का पूरा विर्थ है वो उड़ा दिया जाता है ठीक है यानी पूरा का पूरा ये विर्थ है वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 45 से 60 डिग्री के बीच में होता है ठीक है तो इसके देखो बच्चा इसके पहले हम लोग देखो इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे आ, बेबेल्ड क्लोजर जस्ट वेट कहा गया बेबेल्ड क्लोजर हम लोग देख रहे थे यहां लिख देते हैं वेबेल्ट क्लोजर इसमें हम लोग क्या किए थे ब्रिक को ध्यान से देखना बेवेल्ड क्लोजर में हम लोग यहां से उड़ाए थे पूरा लेंथ को उड़ाया गया था व्यर्थ आधा रखे थे और पूरा लेंथ को यहां से कट कर दिया गया था तो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोले थे बेवेल्ड क्लोजर मेट्रेड क्लोजर में क्या किया जाता है कि यहां से जो वर्थ है उसको हटाते हैं व्यथ को हटा देते हैं एक कॉर्नर को हटा दिया जाता है और जो एंगल बनता है वो फोर्टी टू सिक्सटी डिग्री बनता है ठीक है तो बेबेल्ट और मेट्रेड में अंतर समझ में आ गया मेट्रेट क्लोजर अगर पूछेगा तो कैसा होगा से समझना। यहाँ पे देख लेना सब एक 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक एंगल वाला रहेगा और इसको उड़ा देंगे तो लेंथ वाला कुछ पोर्शन कट हो जाएगा मान लो एक्स पोर्शन कट होगा और पूरा का पूरा व्यर्थ कट हो जाएगा बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको बोला जाता है माइट्रेट क्लोजर देखना इन दिस क्लोजर द कॉर्नर इंडलेड फॉर फुल यानी इसको जो काटा जाता है पूरा विर्थ को काटा जाता है एंड द एंगल ऑफ अ स्प्लेड यानी ये जो एंगल ऑफ अ स्प्लेड है कटिंग का जो एंगल है इज फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री एज सोन इन द बिलो फिगर जो आपको फिगर में दिखाया गया है तो याद रखना फिर से बोल दे रहे हैं बच्चा अगर हम आपसे पूछे कि अगर ऐसे काट दिया गया इसको हम लोग रिमूव कर दिए तो क्या इसको क्वीन क्लोजर बोलेंगे तो बोलना जी सर सर अगर हम ऐसा ब्रिक ले ले कि आधा विर्थ आधा लेंथ को काट दे और इसको कॉर्नर को हटा दो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ ठीक है इसके बाद हम लोग अगर यही इसी का स्पेशल केस होता है बेबेल्ड क्लोजर बेबेल्ड क्लोजर में हम लोग पूरा लेंथ को हटा देते हैं और विर्थ को आधा रखते हैं आधा काट दिया जाता है ये हो गया बेबेल्ड ये हो गया बेबल्ड ये हो गया किंग किंग और एक जो है माइट्रेड क्लोजर है इसमें हम लोग क्या करते हैं छोटू इस कॉर्नर से एक वृत्त को हटा देते हैं और जो एंगल रहता है वो कितना रहता है पैंतालीस से साठ डिग्री रहता है चलो तो हो गया किंग क्वीन माइट्रेड बेबल्ड याद कर लेना ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे समय को बर्बाद नहीं करते हैं अगले क्लास में आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं आप लोग रिवीजन वाला काम कर लेना अगले क्लास में हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना एक छोटा सा टॉपिक रह गया है यह वाला टाइप ऑफ बॉन्ड मैसोनरी बॉन्ड मैसोनरी बॉन्ड रह गया है ठीक है और क्या रह गया है बच्चा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और जो क्लास है सैटरडे और संडे ये भी चलेगा सैटरडे और संडे को भी क्लास चलेगा जीके जीएस का भी क्लास होगा ठीक है बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे टिम्बर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मैसुनरी बॉन्ड बचा है उसको कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में